हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है पुनः नवीन सुबोध पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय खेड़ली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपकी क्लास चल रही है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो ईथर चल रहा है बेटा। तो मैं आपको बता दूं, ईथर जो टॉपिक तो बहुत छोटा है, लेकिन इसमें जो अभिक्रियाएं है ना, उसमें क्रियाविधि और समझने के लिए बहुत कुछ है आपको। टॉपिक छोटा है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, कंपटीशन के हिसाब से भी और आपके हिसाब से भी, ठीक है ना, ट्वेल्थ के हिसाब से भी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। बनाने की विधि हम पढ़ा रहे थे आपको, ईथर बनाने की विधि। उसमें पहली विधि मैंने आपको बताई एल्कोहल के निर्जलीकरण से। तो एल्कोहल का निर्जलीकरण यदि हम कराएं, निर्जलीकरण सांद्र एच2SO, निर्जलीकरण आपको मैं बता दिया सांद्र एच2SO4 की उपस्थिति में 413 केल्विन ताप पर। और भी कोई हम ले सकते हैं, जैसे H3PO4 की उपस्थिति में भी करा सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर 413 केल्विन ताप। यहां पर तो बनता क्या है, ईथर बनता है, ठीक है। अब जैसे यदि आपको क्वेश्चन में ऐसे आ जाए, कैसे, ऐसे CH3CH2OH। अब मैंने आपको जब करवाया था तो आपको मैंने एल्कोहल के दो अणु लिए, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में आपको ऐसे आ जाए कि देखो भैया 413 केल्विन ताप और सांद्र H2SO4, तो आप क्या करोगे, आप इसका निर्जलीकरण करके ईथर नहीं बनाना है। आपके दिमाग में आएगा कि यहां पर अणु एक ही है, तो इसका आपको क्या करेंगे, इससे ईथर बनाना है। आपको क्या बनाना है, ईथर। तो यहां अणुओं की संख्या आपको देखनी नहीं है, क्योंकि ऐसे एक बार क्वेश्चन आया है कि उत्पाद एक क्या होगा, तो टेम्परेचर से आपको उत्पाद देखना है। तो स्वतः ही आपको इसके कितने अणु ले लें, दो, और उत्पाद क्या बनेगा यहां पर, डाईएथिल ईथर। अगर यहां पर टेम्परेचर 443 केल्विन हो और सांद्र H2SO4 हो, तो आपको क्या बनाना है, यहां पर एल्कीन बनाना है, यहां पर क्या बनाना है, ईथर बनाना है, ध्यान रखें, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जैसे आता है उस हिसाब से। दूसरा, मैं आपको दूसरी विधि बनाने की विधि जो बता रहा था, उससे पहले आपको मैंने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि बता रहा था। दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक तो होती है SN1 और एक होती है SN2, ठीक है। SN1 को कहते हैं द्विअणुक, द्विअणुक एक वो एक अणुक द्विपद प्रक्रम, एक अणुक द्विपद प्रक्रम, और SN2 को कहते हैं द्विअणुक एक पद प्रक्रम। मैं एक एक करके आपको बताता हूं, ठीक है। पहली बात सुनो, SN1 अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में संपन्न होती है, दो पदों में संपन्न होती है, और इसमें मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन का, ठीक है ना। दो तीन बातें हैं, आप, मैं इसको आपको नेक्स्ट चैप्टर में पूरा लिखाऊंगा। अभी SN1 SN2 मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बनता है SN1 अभिक्रिया में। यह अभिक्रिया दो पदों में क्या होती है, दो पदों में संपन्न होती है। इसका प्रथम जो पद है वो धीमी गति का पद होता है, स्लो स्टेप होता है, और दूसरा फास्ट स्टेप होता है। तो आपको एक बात और सुनो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो धीमी गति का पद है ना, वो वेग निर्धारक पद होता है। क्या होता है, वेग निर्धारक पद होता है, ठीक है। अब वेग निर्धारक पद का मतलब वो जो अभिक्रिया है ना, उस अभिक्रिया का वेग उस क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर करता है जो क्रिया कारक धीमी गति के पद में भाग लेता है, ठीक है। तो इसको पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, अभिक्रिया SN1 को किस प्रकार से होती है। देखिए, हम इसको समझने के लिए क्या लेते हैं, तृतीयक एल्किल हैलाइड की क्रिया, किसकी क्रिया, तृतीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है, मैं डायरेक्ट एग्जांपल ले रहा हूं, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड,
इसकी क्रिया हम करा रहे हैं किससे, जलीय क्यूएच के साथ। किसके साथ करा रहे हैं, जलीय क्यूएच के साथ। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें कि एल्किल हैलाइड की क्रिया, ये मैं बताऊं आपको कॉमन, एल्किल हैलाइड प्लस जलीय क्यूएच और ये बनेगा एल्कोहल, केएक्स बाहर निकलेगा, ठीक है ना। ये अपक्रिया है और इसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया है। कैसे, यहां से X माइनस जाता है, OH माइनस इस पर आता है, तो एक नाभिक स्नेही गया और दूसरा नाभिक स्नेही आया, एक्सचेंज, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, ठीक है। इसकी दो प्रकार की क्रियाविधि है, एक SN1 और एक है SN2। तो हम क्रियाविधि कौन सी पढ़ रहे हैं, SN1 समझ रहे हैं, अभी लिखना कुछ नहीं है, लिखेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्रियाविधि हो जाएंगी तो आपको थोड़ा ऐसा लगेगा, लेकिन समझाने की जरूरत क्यों है, क्योंकि इस चैप्टर में ये काम आने वाली हैं। तो यहाँ जैसे जैसे काम आएंगे मैं आपको वैसे वैसे इसको लिखाता रहूँगा, पहले समझें। तो SN1 क्रियाविधि अगर हम देख रहे हैं तो सबसे पहले KOH तो आयनित रहता है, किसके रूप में, ये तो रहेगा ही के प्लस और OH माइनस, ठीक है। ये जो अब क्रियाविधि है, दो पदों में संपन्न होती है, कितने पदों में संपन्न होती है, दो पदों में। प्रथम पद में जो एल्किल हैलाइड है, प्रथम पद में फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है इसका, प्रथम पद में जो एल्किल हैलाइड है वो हैलोजन समूह को त्यागता है, ठीक है, और मध्यवर्ती का निर्माण करता है। ध्यान से सुने आप, मैं आपसे ध्यान के लिए इसलिए कह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये जो पद है ये धीमी गति का पद है, स्लो स्टेप है, धीमी गति का पद है। अब देखिए कार्बन पर धनावेश है, ये मध्यवर्ती बनेगा, क्या है मध्यवर्ती, कार्बोनियम आयन। मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल ले लिया भाई समझाने के लिए, ठीक है ना। तो एल्किल हैलाइड प्रथम पद में SN1 क्रियाविधि कितने पदों में संपन्न होती है, दो पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद धीमी गति का पद होता है, दूसरा पद तीव्र गति का पद होता है। प्रथम पद में एल्किल हैलाइड हैलोजन समूह को त्यागता है, मध्यवर्ती क्या बनाता है, कार्बोनियम आयन। और दूसरे पद में, सेकंड पद में जो कार्बोनियम आयन है ये मध्यवर्ती, जो कार्बोनियम आयन है, अब देखो ये हेलोजन माइनस सीएल माइनस गया, ये नाभिक स्नेही चला गया। दूसरे पद में ओएच माइनस, ये नाभिक स्नेही है, ये इस कार्बोनियम आयन पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। और देखिए ये उत्पाद बनेगा, ये जो पद है फास्ट स्टेप मतलब तीव्र गति का पद है। SN1 क्रियाविधि जो है वो दो पदों में संपन्न होती है, प्रथम पद धीमी गति का पद होता है, स्लो स्टेप होता है, इसमें मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बनता है। दूसरे पद में कार्बोनियम आयन पर नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है और उत्पाद बनता है। अब देखिए हम 11th में पढ़ चुके हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग उसके धीमी गति, धीमे पद में या स्लो स्टेप में भाग लेने वाले क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। अब मैं आपसे कहूं कि इसमें एल्किल हैलाइड जलीय क्यूएच से क्रिया करके क्या बना रहा है, एल्कोहल बना रहा है, ठीक है ना, और अभिक्रिया माना SN1 क्रियाविधि द्वारा संपन्न हो रही है, ठीक है ना। तो उस अभिक्रिया का जो वेग है वो किसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा, तो आप देखेंगे ना, तो सांद्रता यहां पर इसके धीमी गति के पद में कौन सा क्रियाकारक भाग ले रहा है, एल्किल हैलाइड, यहां पर तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड लिया है, मतलब कोई भी, तो एल्किल हैलाइड। तो और जबकि जो नाभिक स्नेही है वो कौन से पद में भाग ले रहा है, दूसरे पद में। तो इस अभिक्रिया का जो वेग है, कौन सी अभिक्रिया का, SN1 क्रियाविधि द्वारा जो संपन्न होती है, उस अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। मतलब क्रियाकारक तो कितने हैं, देखो एक एल्किल हैलाइड है, एक नाभिक स्नेही भाग ले रहा है, उत्पाद बन रहा है, लेकिन अभिक्रिया का वेग केवल किस पर निर्भर करेगा, यहाँ पर एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करेगा, ठीक है ना। एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करेगा। अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न हुई है, एक और ये दो। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एक अणु द्विपद प्रक्रम। SN1 अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एक अणु द्विपद प्रक्रम।
पुनः समझें, SN1 अभिक्रिया जो है एक अणुक द्विपद प्रक्रम कैसे है, क्योंकि इस अभिक्रिया की क्रियाविधि में अभिक्रिया के वेग निर्धारक, अच्छा इस दोनों में से वेग निर्धारक पद कौन सा है, धीमी गति का पद होता है वेग निर्धारक पद, मैं आपको बता रहा हूँ, 11th में आप पढ़ चुके, अगर नहीं भी आपको ध्यान है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उस पर आप देखेंगे कि वेग निर्धारक पद किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वेग निर्धारक पद धीमी गति का पद होता है, धीमी गति के पद में जो क्रिया कारक भाग लेता है वह अभिक्रिया के वेग, उसकी सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है, अगर हम इसकी सांद्रता घटाएंगे बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग घटेगा बढ़ेगा, नाभिक स्नेह की सांद्रता से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब अभिक्रिया के वेग में वेग निर्धारक पद में क्रिया कारक का कितना अणु भाग ले रहा है, एक, तो इसको क्या कह दिया, एक अणु। अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न हो रही है, दो पदों में, तो इसको क्या कहा, द्विपद प्रक्रम। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें, अगर एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय केओएच से कराएं तो एल्कोल बनेगा, ठीक है ना। अब हम आपको कल मैंने आपको बताया था कि एल्किल हैलाइड भी कार्बन की संख्या के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, कैसे, देखो अगर हैलोजन समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड, बिल्कुल एल्कोल की तरह है ये, और हैलोजन समूह यदि 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड, और हैलोजन समूह यदि 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तो तृतीय एल्किल हैलाइड, तो ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड, ये द्वितीय एल्किल हैलाइड और ये तृतीय एल्किल हैलाइड, ठीक है ना। अब आप देखिए कि कौन से एल्किल हैलाइड SN1 क्रियाविधि देंगे और कौन से देंगे SN2। तो पहले हम SN1 पढ़ रहे हैं, तो SN1 की बात करें, मैं आपको बार बार एक बात कहता आ रहा हूं, वह अभिक्रिया तीव्र गति से संपन्न होती है जिसमें बनने वाला मध्यवर्ती अधिक स्थायी होता है, वह अभिक्रिया तीव्र गति से संपन्न होती है जिसमें बनने वाला मध्यवर्ती अधिक स्थायी होता है। अब मध्यवर्ती के स्थायित्व को कैसे देखते हैं, अगर मध्यवर्ती पर आवेश की मात्रा कम हो तो उसका स्थायित्व अधिक होता है। अब दूसरी बात देखिए कि SN1 में मैंने आपको क्या कहा कि SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि में मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बनता है। अब कार्बोनियम आयन में कार्बन पर कौन सा आवेश होता है, बोलो धनावेश, ठीक है ना। अब मैंने डायरेक्ट आपको कौन सा एल्किल हैलाइड लिया है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया है, तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से मध्यवर्ती कौन बन रहा है, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। और कार्बोनियम आयनों के स्थायित्व का यदि हम क्रम देखें, कार्बोनियम आयनों के स्थायित्व का क्रम आपको पता है, इसी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, सबसे अधिक स्थायी 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और उससे कम 1 डिग्री, ये मैंने आपको एल्कोल वाले टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ। उसका कारण क्या है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोनियम आयन में 3 एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव होता है, 3 एल्किल समूह का कौन सा प्रभाव होता है, प्लस आई प्रभाव, ठीक है ना। तो 3 एल्किल समूह ये सिग्मा बंद के इलेक्ट्रॉनों को इस कार्बन पर देते हैं, तो कार्बन पर धनावेश की मात्रा क्या होती है, घटती है, धनावेश की मात्रा घटती है। धनावेश की मात्रा घटने का मतलब क्या है, धनावेश का मतलब क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी, और देने वाले यदि 3 एल्किल समूह आ जाएं तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो धनावेश घटेगा। तो यहां पर 3 एल्किल समूह इस धनावेश को घटाते हैं, इसलिए कार्बोनियम 3 डिग्री कार्बोनियम आयन सबसे अधिक स्थायी होता है। अब 2 डिग्री कार्बोनियम आयन की बात करें तो उसमें देखो 2 डिग्री कार्बोनियम आयन कौन सा होगा, देखो 1 डिग्री कार्बोनियम आयन, अगर मैं इसको कार्बोनियम आयन में चेंज करूं तीनों को, तो ये 1 डिग्री कार्बोनियम आयन, ये 2 डिग्री कार्बोनियम आयन और ये 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। तो यहां पर 3 एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव, यहां पर 2 एल्किल समूह का और यहां पर 1 एल्किल समूह का, तो धनावेश की मात्रा सबसे ज्यादा कहां घटेगी, 3 डिग्री में। तो सबसे अधिक स्थायी कौन सा कार्बोनियम आएगा, आयन होगा 3 डिग्री कार्बोनियम आयन, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो अधिक स्थायी कार्बोनियम आयन कौन सा बनेगा, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन, और 3 डिग्री कार्बोनियम आयन कब बनेगा, जब एल्किल हैलाइड कौन सा होगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। भाई 3 डिग्री कार्बोनियम आयन बनेगा कब, जब एल्किल हैलाइड हम कौन सा लेंगे, 3 डिग्री, ठीक है ना। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेंगे तो 3 डिग्री कार्बोनियम आयन बनेगा। अब बात समझ में आ गई, तीनों प्रकार के एल्किल हैलाइडों में सबसे अधिक स्थायी कौन सा कार्बोनियम आयन है, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। 3 डिग्री कार्बोनियम आयन कौन से एल्किल हैलाइड से बनेगा, बोलो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से। तो मैं आपसे पूछूं कि SN1 अभिक्रिया कौन से एल्किल हैलाइड प्रदर्शित करेंगे, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड।
सबसे ज्यादा कौन से एल्केलाइड प्रदर्शित करेंगे? 3 डिग्री एल्केलाइड, उससे कम कौन से प्रदर्शित करेंगे? बोलो 2 डिग्री एल्केलाइड, और उससे कम कौन से करेंगे? 1 डिग्री एल्केलाइड। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 3 डिग्री एल्केलाइड है ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, तो SN1 क्रियाविधि द्वारा संपन्न करते हैं। अब क्रिया को कौन सी क्रियाविधि द्वारा? SN1 क्रियाविधि द्वारा संपन्न करते हैं, क्योंकि SN1 क्रियाविधि में मध्यवर्ती क्या बनता है? कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन कौन से एल्केलाइड का अधिक स्थायी बनता है? 3 डिग्री एल्केलाइड का। इसलिए 3 डिग्री एल्केलाइड SN1 क्रियाविधि SN1 अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, एक अणुक द्विपद नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। कौन? 3 डिग्री एल्केलाइड। अच्छा, इनको मैं लिखा दूंगा क्योंकि यहाँ पर मुझे अभी ये SN1 SN2 में आपको नेक्स्ट चैप्टर में लिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर भी आपको लिखाना है, इनको समझाना जरूरी है, क्योंकि ये अगर आपको नहीं आएंगे तो ईथर बनाने की विधि और उसके कुछ रासायनिक गुण वो आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है ना? तो ये बात समझ में आ गई। तो SN1 अभिक्रिया कौन से एल्केलाइड प्रदर्शित करेंगे? 3 डिग्री एल्केलाइड, ठीक है। अब दूसरी अभिक्रिया देखो, इसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की दूसरी अभिक्रिया है दूसरी जो अभिक्रिया है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की वो है SN2, इसको हम कहते हैं द्विअणुक एक पद प्रक्रम। ध्यान से सुने, द्विअणुक एक पद प्रक्रम, और इस यह अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है। नाम से समझ में आ रहा है, अभी तुलना कर लेना आप दोनों की। इस अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में अर्थात स्लो स्टेप में क्रिया कारक के दोणु भाग लेते हैं, ठीक है ना? इसलिए इसको द्विअणुक कहते हैं। एक ही पद में ये क्या होती है? संपन्न होती है। इसमें मध्यवर्ती इसमें संक्रमण अवस्था बनती है। क्या बनती है? संक्रमण अवस्था। कैसे बनती है मैं अभी आपको दिखाता हूं। देखिए, अभिक्रिया वही है, एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे करा रहे हैं? जलीय KOH के साथ करा रहे हैं। मैं डायरेक्ट एग्जांपल आपको ले रहा हूं, तो ये टूटेगा माइनस प्लस प्लस माइनस, बाहर निकलेगा KX और ये बनेगा उत्पाद एल्कोहल। ये अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, और इसमें हम क्रियाविधि अब पढ़ रहे हैं इसकी। कौन सी? पहले हमने पढ़ी SN1, तो कौन सी एल्केलाइड SN1 क्रियाविधि प्रदर्शित करते हैं? बोलो तृतीयक एल्केलाइड। क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि तृतीयक एल्केलाइड से अधिक स्थायी 3 डिग्री कार्बोनियम आयन बनता है, और हमको पता है अभिक्रिया कौन सी दिशा में चलती है? जिस दिशा में बनने वाला मध्यवर्ती अधिक स्थायी हो, ठीक है। अब यहां पे आप देखें कि KOH तो कैसे टूटता है? KOH तो टूटेगा यो के प्लस, इसको यो भी लिख सकते हो आप, के प्लस और OH माइनस, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब क्या होगा, यहां पर मैं डायरेक्ट आपको बता दूं, पहले बता दूं कि अभी आपने SN1 क्रियाविधि देखी, तो SN1 क्रियाविधि SN1 अभिक्रिया कौन सी एल्केलाइड? 3 डिग्री एल्केलाइड, और SN2 अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं प्राथमिक एल्केलाइड। कौन से? प्राथमिक एल्केलाइड। क्यों प्रदर्शित करते हैं वो अभी क्रियाविधि से हम बताएंगे आपको। तो मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ प्राथमिक एल्केलाइड का, एक अच्छा सा देखिए, ये CH3CH2Cl, ये है एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, ठीक है। मैं यहां पर थोड़ी सी बात और आपसे करूं, इस प्रकार तो सामान्यतः हम इसको लिखते हैं, है ना? हमको पता है, क्या पता है, कि इसमें जो कार्बन परमाणु है, किसमें? एल्किल हैलाइड में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संकृत अवस्था में, कौन सी अवस्था में होता है? sp3 संकृत अवस्था में होता है। तो मैंने इसकी संरचना कैसी होगी बोलो? चतुष्फल की होगी। कैसी होगी? चतुष्फल की होगी। तो यहां पर देखिए,
यहाँ पर आपको थोड़ा सा और मुझे कुछ समझाना है, लेकिन मैं नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगा। यहाँ पर अभिविन्यास का प्रतिपन या प्रतिलोमन प्राप्त होता है, जब उत्पाद प्राप्त होता है तो उसका अभिविन्यास बिल्कुल चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो इस बात को हम थोड़ा यहीं रोकेंगे, या सिर्फ मैं आपको सामान्य SN1 SN2 क्रियाविधि समझाऊंगा, और क्रियलता के आधार पर मैं आपको अगले चैप्टर में इसको समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर फिर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊँ, इसको अपन ऐसे लिखें HCS3, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एथिल क्लोराइड है भाई, किसी कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ठीक है। इस एथिल क्लोराइड पर की क्रिया हम करा रहे हैं जलीय की वजह से, तो SN2 अभिक्रिया में क्या है, ये एथिल क्लोराइड और ये नाभिक स्नेही, ध्यान से सुने, यहां पर बात आपको बिल्कुल गौर से देखनी है, दिमाग को खोल के रखना है। अब ये इसका स्लो स्टेप है, धीमी गति का पद है। अब एक बात तो आपके समझ में आ गई कि ये धीमी गति का पद है, तो धीमी गति के पद में देखो क्रियाकारक कितने भाग ले रहे हैं, एक तो एल्किल हैलाइड भाग ले रहा है, एक नाभिक स्नेही भाग ले रहा है, तो दो क्रियाकारक भाग ले रहे हैं भाई। कितने क्रियाकारक भाग ले रहे बेटा? दो। आप दिमाग को बिल्कुल खोल के रखो, दो क्रियाकारक भाग ले रहे हैं, कौन कौन से ले रहे हैं आप देखिए, एक एल्किल हैलाइड, एक कौन, नाभिक स्नेही, तो दो क्रियाकारक भाग ले रहे हैं। इसका मतलब अभिक्रिया में अभिक्रिया का जो वेग है, इस अभिक्रिया का, कौन सी अभिक्रिया का, SN2 अभिक्रिया का जो वेग है, इन दोनों क्रियाकारकों की सांद्रता पर निर्भर करेगा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, द्विअणु। अभी हम बताएंगे आपको कि एक ही पद में अभिक्रिया संपन्न होगी, एक पद पर, ठीक है। अब यहां पर क्या है अभिक्रिया, इसमें SN2 अभिक्रिया में जो नाभिक स्नेही है वो एल्किल हैलाइड पर क्या करता है, बैक साइड से अटैक करता है। अब ध्यान से सुने, क्योंकि संरचना इसकी चतुष्फलकीय है, पूरी पूरी चतुष्फलकीय मैंने नहीं बनाई है, ठीक है, अभी सामान्यतया मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए आप टेंशन ना लें। तो बैक साइड से जब ये अटैक करेगा, तो अटैक कैसे करेगा, इस अभिक्रिया में SN1 में तो क्या था, कब एल्किल हैलाइड पहले तुरंत हैलोजन को त्याग रहा था, मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बना रहा था, फिर दूसरे पद में नाभिक स्नेही उससे क्रिया करके उत्पाद बना रहा था। यहां पर क्या है कि ये जुड़ा हुआ है हैलोजन समूह, हैलाइड जुड़ा हुआ है, और पीछे से इसने कौन से दूसरे नाभिक स्नेही ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। अब क्या होगा कि ये जो नाभिक स्नेही है ना, आक्रमणकारी जो नाभिक स्नेही है, ये इस एल्किल हैलाइड के धीरे धीरे क्या आएगा, पास आएगा। तो जब ये दूसरा नाभिक स्नेही धीरे धीरे पास आएगा, तो हैलोजन जो समूह है, हैलाइड जो नाभिक स्नेही है, वो इससे धीरे धीरे क्या जाएगा, दूर जाएगा। ध्यान से सुने, धीरे धीरे ये इससे बैक साइड में इसके पास आएगा, तो जैसे जैसे ये इसके पास आएगा, वैसे वैसे ये इससे दूर जाएगा। कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी, देखना, अब एक स्थिति ऐसी आ जाती, धीमी गति का पद है, एक स्थिति कैसी आती है, आप ये समझो कि ये आने वाला नाभिक स्नेही इधर, और ये इधर जाने वाला नाभिक स्नेही, जो पहले मैं कह रहा हूं कि ये मेरे, ये एक CL है, और ये कौन है, ये OH है। ध्यान से सुने, ये OH पास आ रहा है, यहां पे था OH पास आ रहा है, और यहां CL था, तो OH जैसे जैसे पास आएगा, CL वैसे वैसे क्या जाएगा, दूर जाएगा। एक कंडीशन कैसी होगी कि इधर से जितना दूर OH होगा, उतना ही दूर कौन होगा, CL होगा, मतलब बिल्कुल बराबर स्थिति में आ गए। अब जैसे ही ये OH थोड़ा सा इसके पास आएगा, CL थोड़ा सा इससे दूर जाएगा, तो इससे नाता टूट जाएगा, और ये OH इसके साथ बंध बना लेगा। तो जब दोनों नाभिक स्नेही, मतलब जाने वाला और आने वाला, दोनों इससे बराबर दूरी पर जुड़े हों, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, संक्रमण। संक्रमण अवस्था मतलब समझते हो, बीच की अवस्था, कि अगर ये इधर चला गया तो ये जुड़ जाएगा, और ये चला गया तो ये जुड़ जाएगा। तो ये बन जाती है इसमें क्या, संक्रमण अवस्था, ठीक है ना। अब पद एक ही है, ये तो बीच में आपको बताई गई है कि ऐसी अवस्था आती है, और तुरंत क्या होगा, ये उत्पाद बन जाएगा CH3 और ये उत्पाद। आप ध्यान से देखें, अब इसमें क्या है, इसमें
अब इसमें क्या है, देखिए उत्पाद बना है, ये दिख रहा बेटा आपको, हो सकता है आपको थोड़ा सा ना दिख रहा हो, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, Cl, उत्पाद, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो ये उत्पाद बना है, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊंगा, बाकी की इसकी संबंधित कुछ बातें और बताऊंगा मैं आपको कि इसमें अभिविन्यास का प्रतिलोमन, मतलब जो उत्पाद प्राप्त होता है वो क्रियाकारक के जस्ट उल्टा प्राप्त होता है, इसको अभिविन्यास का प्रतिपन कहते हैं, प्रतिलोमन कहते हैं, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताएंगे। आप अभी मैं सिर्फ जो बताने वाला हूँ उसको आप ध्यान से देखें कि SN2 क्रिया विधि में धीमी गति का पद है, एक ही पद होता है इसमें, ध्यान रखें, और धीमी गति के पद में एल्किल हैलाइड पर नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है। आक्रमण किधर से होता है, बैक साइड से होता है। आक्रमण किधर से होता है, बैक साइड से, बैक साइड से आक्रमण होता है। धीरे धीरे ये नाभिक स्नेही इसके पास जाता है तो जो हैलोजन था उससे दूर जाएगा। जब दोनों बराबर स्थिति पर आ जाएंगे, दोनों के मध्य बराबर का आकर्षण बल होगा तो उसको हम संक्रमण अवस्था कहते हैं, और जैसे ही इनके मध्य आकर्षण बढ़ेगा तो ये से थोड़ा सा आकर्षण घटेगा तो ये बंध टूट जाएगा और ये उत्पाद हमारा बन जाएगा। ध्यान से सुने, ठीक है, आई बात समझ में। अब इसमें क्या है, ये बहुत फास्ट होता है प्रकरण। अब ये पद नहीं है, पहली बात तो ये पद नहीं है, ये तो क्या बीच में आपको रोककर बताई गई है कि बीच में ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसमें मध्यवर्ती क्या बनती है, ये संक्रमण अवस्था बनती है अगर देखना चाहें, और ये तुरंत उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो आप इस अभिक्रिया को देखें, SN2 अभिक्रिया, अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में कितने अणु भाग ले रहे हैं, क्रियाकारक के दो, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, द्विअणु। अभिक्रिया कितने पद में संपन्न हो रही है, एक, इसलिए इसको हम कहते हैं एक पद प्रक्रम, ठीक है। अब कौन से एल्किल हैलाइड SN2 अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे, तो मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पर ये नाभिक स्नेही एल्किल हैलाइड पर कहां से अटैक करता है, बैक साइड से अटैक करता है, किधर से करता है, बैक साइड से, ठीक है। अभी हमने यहां पर प्राथमिक एल्किल हैलाइड लिया, ठीक है, मैं अगर इसको खोल के लिखूं, आपको पता है CH3 को मैंने ऐसे लिख दिया है, तो CH3 में भी आपको पता होना चाहिए कि ये इसके साथ यूँ बंद बना के रहते हैं, रहते कि नहीं रहते, बोलो, रहते हैं। अब यदि मैं आपको बताऊं कि अगर हम द्वितीयक एल्किल हैलाइड या तृतीयक एल्किल हैलाइड, हम तृतीयक एल्किल हैलाइड अगर लेते तो मैं तृतीयक एल्किल हैलाइड का एक एग्जाम्पल लूँ, देखो तृतीयक एल्किल हैलाइड का एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये देखो CH3, तो इनको खोल के लिख देता हूं मैं, CH3, ये मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं, H3 ये तृतीय एल्किल हैलाइड है, 3° एल्किल हैलाइड। अब अगर मैं कहूं कि ये नाभिक स्नेही इस पर आक्रमण करे बैक साइड से, तो यहां तक पहुंच पाएगा क्या, यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि यहां पर इन एल्किल समूहों का कौन सा प्रभाव है, त्रिविम बाधा प्रभाव कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, त्रिविम बाधा प्रभाव, त्रिविम बाधा, त्रिविम बाधा का मतलब कोई प्रभाव, कोई नया चीज नहीं है, त्रिविम माने थ्री डायमेंशनल, इनकी जो संरचना है ये तो हम टू डायमेंशनल बोर्ड पर लिख के बता रहे हैं, लेकिन थ्री डायमेंशनल त्रिविम में अभिविन्यास इसका क्या होता है, तो अभिविन्यास इस प्रकार से होता है, तो यहां पर हम पूरा बना नहीं सकते, लेकिन आपको कोशिश कर रहे हैं सिखाने की कि यहां पर अगर एल्किल समूह इससे ज्यादा जुड़ेंगे, किससे, इस कार्बन से, और एल्किल समूह ज्यादा जुड़ेंगे तो ये 2° या 3° एल्किल हैलाइड होगा, तो त्रिविम बाधा प्रभाव अधिक होगा, तो ये जो आने वाला नाभिक स्नेही है ना, तो यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, तो नहीं पहुंच पाएगा, तो इससे क्या ये ऐसे संक्रमण अवस्था बना पाएगा, क्या नहीं बना पाएगा, तो तृतीयक एल्किल हैलाइड ये संक्रमण अवस्था नहीं बना पाता। कौन बना पाएगा, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, क्योंकि इसमें त्रिविम बाधा कम है। तो हम क्या कह रहे हैं, अगर आपको SN2 अभिक्रिया, कोई अभिक्रिया यदि SN2 क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है, तो उसमें एल्किल हैलाइड हमको प्राथमिक ही लेना पड़ेगा। अगर कोई कहे कि भाई तृतीय या द्वितीय एल्किल हैलाइड लो, तो वो SN2 अभिक्रिया विधि द्वारा अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी और उत्पाद उससे नहीं बनेगा। तो यहां पर दो बातें आपको समझ में, आपको ध्यान रखनी है कि SN1 अभिक्रिया तो तृतीय एल्किल हैलाइड प्रदर्शित करते हैं, और SN2 अभिक्रिया प्राथमिक एल्किल हैलाइड प्रदर्शित करते हैं। अब मैं आपसे एक बात कहूं, यदि अभी इसमें आगे कहूंगा, क्योंकि यहां पर क्रियाविधि पर दोबारा से मैं आपको SN2 लिखाने वाला हूं इथर में भी, ठीक है ना, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। एक बात आप ध्यान रखें थोड़ी देर के लिए, कि
थोड़ी देर के लिए क्या हमेशा ही आपको याद भी रखनी है, लेकिन अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए कि SN2 अभिक्रिया, SN2 जो क्रियाविधि है वो प्राथमिक एल्किल हैलाइड प्रदर्शित करते हैं, तृतीयक एल्किल हैलाइड प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि तृतीयक एल्किल हैलाइड में संक्रमण अवस्था नहीं बन पाती है। क्यों नहीं बन पाती है? क्योंकि जो नाभिक स्नेही है वो पीछे से आक्रमण कर ही नहीं पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि तीव्र बाधा प्रभाव है एल्किल समूह का। ठीक है, तो अब देखिए आप, यहां पर मैंने आपको SN1 और SN2 क्रियाविधि के बारे में कुछ बताया है, इनको लिखा भी दूंगा मैं आपको, ठीक है ना, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में लिखाएंगे, यहां भी लिखाएंगे, यहां पर हम थोड़ा अलग तरीका से लिखाएंगे। देखिए, अब ईथर बनाने की विधि, सेकंड विधि है वो आप हेडिंग डालो, सेकंड विधि लिखो, लिखिए विलियमसन संश्लेषण, बहुत अच्छी अभिक्रिया है और इसमें कई पॉइंट आपको समझने वाले हैं, बहुत रटने का कुछ नहीं है, टोटल समझने का है, कंसेप्चुअल चीज है टोटल। ठीक है, विलियमसन ईथर संश्लेषण, हेडिंग डाल लो। इसमें क्या है, एल्किल हैलाइड की क्रिया, किसकी क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं। ये एल्किल हैलाइड और ये सोडियम एल्कोक्साइड, ध्यान से सुने। अच्छा, सोडियम एल्कोक्साइड प्राप्त कहां से होता है आपको पता है? एल्कोहल की क्रिया आप NaOH से करा दो तो आपको सोडियम एल्कोक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाते हैं, तो सोडियम एल्कोक्साइड के साथ जब करवाते हैं ना, तो ये ऐसे टूटता है, Na पर प्लस, O पर माइनस, यहाँ कैसे टूटता है, X पर माइनस, कार्बन पर प्लस। ठीक है ना, तो ये माइनस इस प्लस के साथ NaX बाहर निकलता है और ये R प्लस O माइनस के साथ जुड़ जाता है, तो ROR क्या बन गया बोलो, ईथर। बात समझ भाई, क्या बना है, ईथर। तो एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो ईथर का निर्माण होता है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं अपन, ये देखो CH3CH2Cl एथिल क्लोराइड, और इस एथिल क्लोराइड की क्रिया CH3CH2ONa सोडियम एथोक्साइड। अच्छा, ये कोई नाम नया नहीं है, एल्कोल में ये नाम आ चुका है, क्षार धातुओं से क्रिया कराई तो धातु एल्कोक्साइड बनता है, एथेनॉल की कराई तो एथोक्साइड बनेगा। एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं। अब एक एग्जांपल हमने ले लिया है कि एथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम एथोक्साइड से करवाएंगे, तो देखिए यहाँ से कौन Cl, यहाँ से कौन Na, टूटेगा कैसे, Na पर प्लस, O पर माइनस, X पर माइनस, R पर प्लस, ऐसे यहाँ टूटेगा तो बाहर क्या निकलेगा, NaCl, और देखना उत्पाद क्या बनेगा, डाइएथिल ईथर। ये विलियमसन संश्लेषण है। क्या नाम है अभिक्रिया का, विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन जो वैज्ञानिक था उसने अभिक्रिया दी, बनाने की विधि दी। इस ये जो अभिक्रिया है ईथर बनाने की विधि जो है ये SN2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। ये जो अभिक्रिया
कौन सी क्रिया? देखिए नाभिक स्नायु प्रतिस्थापन अपक्रिया है ये। नाभिक स्नायु प्रतिस्थापन कैसे हैं? आप देख सकते हैं ये आर ओ माइनस, ये भी नाभिक स्नायु है और एक्स माइनस नाभिक स्नायु है, तो एक्स माइनस जा रहा है और आर ओ माइनस आके जुड़ रहा है, तो एक्सचेंज हुआ नाभिक स्नायु का, तो अपक्रिया कौन सी हुई? नाभिक स्नायु प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो ये नाभिक स्नायु प्रतिस्थापन अपक्रिया है और ये अभिक्रिया कौन सी क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है? SN2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। SN2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। अब SN2 क्रियाविधि मैंने आपको अभी बताई, मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बनती है। कौन से एल्किल हैलाइड प्रदर्शित करते हैं? बोलो प्राथमिक एल्किल हैलाइड प्रदर्शित करते हैं, ये बात याद रखें, ठीक है? क्योंकि यहां पर ये जो विधि है ईथर बनाने की, इस विधि से हम सभी प्रकार के ईथर बना सकते हैं, मिश्रित ईथर, साखित ईथर, कैसे ही बना सकते हैं, लेकिन प्रत्येक को बनाने के लिए थोड़े थोड़े से पॉइंट आपको इसमें अलग अलग लिखने पड़ेंगे। पहले मैं इसकी क्रियाविधि लिखूंगा, फिर इनके पॉइंटों को आपको बताऊंगा एक एक करके, ठीक है? पहले आप हेडिंग डाल लें विलियमसन ई संश्लेषण। लिखिए जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाई जाती है, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाई जाती है, तो ईथर का निर्माण होता है, तो ईथर का निर्माण होता है। ये अबक्रिया पूरी आप उतार लें, फिर इसमें एक एक करके मैं पॉइंट लिखाऊंगा। ये तीनों अबक्रिया लिख लें आप। ये लिख लें आप। देखिए लिख लेंगे आप, ठीक है? वीडियो को आप पोज करके लिख सकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आप देखो एरो लगा के नीचे लिखो उपर्युक्त अभिक्रिया, सही है? उपर्युक्त अभिक्रिया SN2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है, ठीक है? अब इसमें मैं आपको क्रियाविधि बता देता हूं, एग्जाम्पल को क्रियाविधि से समझा देते हैं। देखिए अभिक्रिया क्या है? एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करवा रहे हैं। किससे करवा रहे हैं? सोडियम एल्कोक्साइड से। तो देखो अब एल्किल हैलाइड हमने यहाँ पर ले लिया, क्या सोडियम एथोक्साइड ले लिया, तो सबसे पहले सोडियम एथोक्साइड आयनित होगा, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं क्योंकि बार बार लिखना ऐसे पड़ता है, तो इसको अपन यूँ भी लिख सकते हैं C2H5ONa सोडियम एथोक्साइड, ये C2H5ONa प्लस। अब ये क्या है? एथोक्साइड आयन। तो एथोक्साइड आयन यहां पर किसका काम करेगा? नाभिक स्नेही, ठीक है? तो एल्किल हैलाइड पर क्रिया किसकी कर रहे हैं हम? सोडियम एल्कोक्साइड की कर रहे हैं। तो एल्किल हैलाइड हम यहाँ क्या ले रहे हैं? ईथर, वो सॉरी एथिल क्लोराइड। तो देखिए सी ये एथिल क्लोराइड,
आप एस एन टू क्रियाविधि में आपको पता है नाभिक स्नेही बैक साइड से एल्किल हैलाइड पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। नाभिक स्नेही यहां पर कौन है, एथॉक्साइड आयन। तो ये C2H5O- ये नहीं, आक्रमण कहां से होगा, बैक साइड अटैक होगा। ठीक है, और देखिए पद कैसा होगा, ये धीमी गति का होगा, स्लो स्टेप। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन इसमें बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इसलिए बार बार मैं जोर लगा के कह रहा हूं। तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड पर एल्कोक्साइड आयन का क्या हो रहा है, आक्रमण हो रहा है। ठीक है, और देखिए क्या बनेगा, C2H5O संक्रमण अवस्था बनेगी भाई। संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई। अब जैसे ही ये उत्पाद फास्ट स्टेप मतलब तुरंत हो जाएगा, क्या होगा देखना, C2H5O CH3H और ये H, ये क्या बन गया, डाई एथिल ईथर, और ये निकल जाएगा बाहर कौन, Cl- उत्पाद बना। ये इसकी SN2 क्रियाविधि है किसकी, विलियमसन ईथर संश्लेषण की। विलियमसन ईथर संश्लेषण भी इसका नाम है, विलियम संश्लेषण, संश्लेषण या ईथर, विलियमसन ईथर संश्लेषण। ठीक है ना, इसमें आप थोड़े ध्यान दें, ये अभिक्रिया SN2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। ठीक है ना, आपने लिख लिया उपरोक्त अभिक्रिया SN2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। अब आप हेडिंग डाल लें क्रियाविधि, और क्रियाविधि में आप इसको लिख लें। ठीक है, लिख लो, देखिए। अब आपने ये क्रियाविधि अगर देखी है तो पिने मैं आपको बताऊं कि SN2 अभिक्रिया कौन से एल्किल हैलाइड प्रदर्शित करते हैं, कौन सा समूह प्रदर्शित करता है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो आक्रमणकारी स्पीसीज है, आक्रमणकारी जो समूह है, आक्रमणकारी समूह तो कैसा भी हो सकता है, साकेत हो सकता है, द्वितीयक एल्किल समूह युक्त हो सकता है, तृतीयक हो सकता है, लेकिन जो जिस पर आक्रमण हो रहा है मतलब एल्किल हैलाइड जो है वो कौन सा होना चाहिए, वो प्राथमिक होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, प्राथमिक। सुनो कैसे, देखिए ये क्रियाविधि आपने लिख ली, देखो अब यहां पर आप एक एरो लगा के पॉइंट लिखें, उपर्युक्त अभिक्रिया द्वारा, उपर्युक्त अभिक्रिया द्वारा द्वितीयक या तृतीयक, उपर्युक्त अभिक्रिया द्वारा द्वितीयक या तृतीयक एल्किल समूह युक्त, द्वितीयक या तृतीयक एल्किल समूह युक्त, द्वितीयक या तृतीयक एल्किल समूह युक्त ईथरों का निर्माण, द्वितीयक या तृतीयक एल्किल समूह युक्त ईथर ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, अर्थात असममित ईथर का निर्माण किया जा सकता है इस अभिक्रिया द्वारा। द्वितीयक या तृतीयक एल्किल समूहयुक्त ईथर अर्थात असममित ईथर का निर्माण किया जा सकता है, इसका मतलब आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि अगर हमको द्वितीयक या तृतीयक एल्किल समूहयुक्त ईथर का निर्माण करना है इस अभिक्रिया से, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि यदि हमको ईथर ये बनाना है भाई, CH3 ओ CH3, तो इस अभिक्रिया द्वारा हम इस ईथर को बना सकते
हैं। इस अभिक्रिया द्वारा, कौन सी अभिक्रिया द्वारा? विलियमसन संश्लेषण द्वारा इस ईथर को बना सकते हैं। लेकिन इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, अच्छा विलियमसन ईथर संश्लेषण में ईथर कैसे बनता है? एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करवाई जाती है, ठीक है। अब जैसे मैं इसको देखूं तो इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो एल्किल हैलाइड है वो तो प्राथमिक ही लेना पड़ेगा। कौन सा लेना पड़ेगा? प्राथमिक। और जो सोडियम एल्कोक्साइड है वो हम कैसा ले सकते हैं? द्वितीयक या तृतीयक एल्किल समूह युक्त ले सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए हम देखिए क्रिया किसकी करवाएंगे? CH3Cl की क्रिया। आप हैलोजन कोई सा भी समूह ले सकते हो भैया, जैसे यहाँ पर CH3Cl ले रहे हो, आप Br ले लो, I ले लो, कोई सा भी ले सकते हो, टेंशन नहीं। CH3Br, ठीक है ना, मैथिल ब्रोमाइड, मैथिल ब्रोमाइड की क्रिया हम करवाएंगे किससे? CH3ONa, क्या नाम इसका? सोडियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड, सोडियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड। और ये हमारा ईथर बन गया 2-methoxypropane। तो मेरी बात ध्यान से सुने, अगर हमको विलियमसन संश्लेषण से इस ईथर को बनाना है, 2-methoxypropane को बनाना है, तो हमको मैथिल ब्रोमाइड या मैथिल हैलाइड की क्रिया सोडियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड से करानी पड़ेगी। अगर आप यूं कहें कि हम ऐसा नहीं लेना चाहते हैं कि हम तो सर ये देखो मैथिल तो एल्कोहल लेना चाहते हैं, सॉरी हाँ मैथिल एल्कोहल लेना चाहते हैं, अर्थात सोडियम मेथॉक्साइड लेना चाहते हैं, सोडियम मेथॉक्साइड और एल्किल हैलाइड कौन सा लेना चाहते हैं हम? तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड लेना चाहते हैं। तो अब देखो देखने में तो क्या लगेगा, मेरी बात ध्यान से सुने, देखने में तो क्या लगेगा सर यहां से Br हटा दो, यहां से Na हटा दो, तो यही उत्पाद बनेगा। लेकिन ये वाला उत्पाद इन क्रिया कारकों से नहीं बनेगा। कैसे पता लगा? कि गुरुजी हमको पता है जो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है वो SN2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। कौन सी क्रियाविधि द्वारा? SN2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। और SN2 क्रियाविधि में हमको पता है कि एल्किल हैलाइड जो लेना है वो कौन सा लेना है? एल्किल हैलाइड लेना प्राथमिक। किसके कारण? त्रिविम बाधा प्रभाव के कारण। अगर हमने तृतीयक एल्किल हैलाइड लिया ना, कौन सा एल्किल हैलाइड लिया? तृतीयक। तो तृतीयक एल्किल हैलाइड पर ये जो मेथॉक्साइड आयन है ये इस पर आक्रमण ही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? त्रिविम बाधा प्रभाव के कारण इस कार्बन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए इससे जो उत्पाद बनेगा वो ये ईथर नहीं बनेगा। इस स्थिति में ये यहाँ पर क्या है? क्षार की तरह कार्य कर रहा है और यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। और अभिक्रिया कौन सी होगी? विलोपन। आप एरो लगा के लिखें, एरो लगा के पॉइंट लिखिए। देखो यदि इस अभिक्रिया द्वारा या इस विधि द्वारा साखित ईथर बनाना हो तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड की क्रिया
द्वितीयक या तृतीयक एल्किल समूह युक्त, द्वितीयक या तृतीयक एल्किल समूह युक्त सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाई जाती है, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाई जाती है, ठीक है ना। तो आप नीचे लिखें, नीचे लिखिए 2-methyl 2-methoxy propane का निर्माण करने के लिए, नेक्स्ट लाइन में एरोलॉग लिखना है, का निर्माण करने के लिए मैथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड के साथ करवाई जाती है, मैथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड के साथ करवाई जाती है। और ये अब क्रिया आप उतार लें, ये अब क्रिया उतार लें, ठीक है, फिर इसको लिखवाऊंगा मैं आपको, ये लिख लें। इसके बाद यहां एरो लगा के लिखें, इस अभिक्रिया के बाद, इस अभिक्रिया को उतारने के बाद यहां लिखें एरो लगा के, एक पॉइंट लिखें, यदि 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 द्वितीयक या तृतीयक एल्किल हैलाइड की क्रिया, द्वितीयक या तृतीयक एल्किल हैलाइड की क्रिया प्राथमिक एल्किल समूह युक्त एल्कोक्साइड के साथ करवाई जाती है, प्राथमिक एल्किल समूह युक्त एल्कोक्साइड के साथ करवाई जाती है तो अभिक्रिया प्रतिस्थापन न होकर, यहां पे तो क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है इस एल्कोक्स, इस एथोक्साइड, इस मेथोक्साइड का हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापन हो रहा है, हैलोजन का इस मेथोक्साइड द्वारा क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन यहां पर। लेकिन यदि ऐसा लिया तो अभिक्रिया प्रतिस्थापन ना होकर विलोपन अभिक्रिया संपन्न होगी, विलोपन अभिक्रिया संपन्न होगी और उत्पाद एल्कीन प्राप्त होगा, उत्पाद एल्कीन प्राप्त होगा। क्योंकि प्राथमिक एल्कोक्साइड आयन नाभ, क्योंकि प्राथमिक एल्कोक्साइड आयन नाभिक स्नेही के साथ साथ प्रबल क्षार भी होता है, ठीक है, प्रबल क्षार भी होता है। नेक्स्ट लाइन लिखें, अतः अतः तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड की क्रिया, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड की क्रिया तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम मेथॉक्साइड के साथ करवाई जाएगी, करवाई जाती है तो देखो क्या प्राप्त होता है, फिर लिखाऊंगा, देखो यहां से Br, यहां से Na और यहां से एक H, तो Na तो किसको ले जाएगा, Br को, NaBr बाहर निकलेगा और CH3O H को लेकर CH3OH, इस कार्बन के मध्य क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, टू मैथिल प्रोपेन, तो क्या, तो उत्पाद क्या लिखा है, यदि तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम मेथॉक्साइड के साथ कराएंगे तो उत्पाद अब क्रिया क्या बनेगा, एल्कीन बनेगी, तो उत्पाद क्या बनेगा, टू मैथिल प्रोपीन बनेगा, ध्यान से सुने,
टू मैथिल प्रोपीन। अब दोनों अभिक्रियाएं आपके सामने हैं, देखो ये अभिक्रिया आपने उतारी पहले और ये अब उतारनी है आपको, तो मेरे बात ध्यान से सुनो। विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, रखने की जरूरत नहीं है। विलियमसन ईथर संश्लेषण में एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं। अभिक्रिया SN2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। SN2 क्रियाविधि में आपको क्या ध्यान रखना है कि एल्किल हैलाइड पर एल्कोक्साइड आयन का आक्रमण होता है, और एल्किल हैलाइड पर एल्कोक्साइड आयन का आक्रमण होता है तो वहां पर एल्किल हैलाइड कौन सा होना चाहिए, प्राथमिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर द्वितीयक या तृतीयक एल्किल हैलाइड हुआ तो त्रिविम बाधा के कारण जो एल्कोक्साइड आयन है उस पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। तो मैंने आपको फिक्स बता दिया कि अगर इस विलियमसन ईथर संश्लेषण से आपको ईथर बनाना है तो एल्किल हैलाइड हमेशा आपको प्राथमिक ही लेना है। अब आपके दिमाग में आएगा कि हमको अगर साखित ईथर बनाना है तो साखित ईथर बनाने के लिए आप द्वितीयक या तृतीयक एल्किल समूह युक्त सोडियम एल्कोक्साइड ले सकते हैं, मतलब एल्कोहल जो आप लेंगे वो द्वितीयक या तृतीयक एल्किल समूह युक्त हो सकता है, या कहें कि एल्कोहल जो लेंगे आप वो साखित एल्कोहल ले सकते हैं। कि जैसे मुझे ये ईथर बनाना है तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड तो क्या होगा, प्राथमिक होगा, और एल्कोक्साइड आयन कौन सा होगा, ये तृतीयक होगा, ठीक है ना। अगर हमने तो बन जाएगा ईथर, यहाँ पर अभिक्रिया कौन सी होगी, प्रतिस्थापन, और अगर हमने इसका उल्टा ले लिया, प्राथमिक तो कौन ले लिया, एल्कोक्साइड आयन, और तृतीयक कौन ले लिया, हैलाइड, तो अभिक्रिया प्रतिस्थापन नहीं होगी, अभिक्रिया क्या होगी, विलोपन होगी, और उत्पाद ईथर नहीं बनेगा, उत्पाद क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। यहां पर चूंकि ये प्रबल क्षार की तरह कार्य करेगा एल्कोक्साइड आयन, प्राथमिक एथोक्साइड आयन, और यहां से ये क्या करेगा, बाहर अल्फा बीटा बीहाइड्रो हैलोजनीकरण कर देगा, अल्फा बीटा बीहाइड्रो हैलोजनीकरण। ये अभिक्रिया भी हम पढ़ने वाले हैं एल्कोली केएच की उपस्थिति में, मतलब प्रबल क्षार की उपस्थिति में क्या होता है, अल्फा कार्बन से हैलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाता है। ये अभिक्रिया भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन होता है, और अगर आपने चेंज कर दिया तो यहाँ पर विलोपन होता है, कारण क्रियाविधि के कारण, किसके कारण, क्रियाविधि के कारण। तो अब आप ये अभिक्रिया उतार लें, थोड़ा समझने की कोशिश करें, दिमाग को थोड़ा ओपन रखें। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लिखें, इसी संबंधित क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बात समझा दिया, अगर आपको विलियमसन ईथर संश्लेषण अर्थात एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कहीं भी करानी पड़े तो उसमें आपको क्या लेना है, क्या लेना है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। एक क्वेश्चन आप लिखें, ऐसा ही है सेम लिखिए, लिखो निम्न अभिक्रिया का क्वेश्चन लिखें, निम्न अभिक्रिया का उत्पाद लिखिए, निम्न अभिक्रिया का उत्पाद लिखिए, यहां पर आपको उत्पाद लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन है निम्न अभिक्रिया का उत्पाद लिखिए, ठीक है, इसका उत्पाद लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है तृतीयक ब्यूटिल एथिल ईथर, लिख लो तृतीयक ब्यूटिल एथिल ईथर, ईथर बनाने के लिए उपयुक्त अभिक्रिया लिखिए, उपयुक्त अभिक्रिया लिखिए। ये दो क्वेश्चन है। अच्छा, जो मैंने अभी थोड़ा समझाया उसी संबंधित क्वेश्चन है जैसे ऊपर है, उपयुक्त अभिक्रिया लिखिए। मैं आपको इसको बता देता हूं, देखिए ये क्या है, सोडियम एथोक्साइड,
सोडियम एथॉक्साइड। अब मैं आंसर, आपने क्वेश्चन इसका लिख लिया होगा, मैं आंसर आपको एक सेकंड में बता रहा हूँ। ये आंसर है फर्स्ट का, ये सोडियम एथॉक्साइड है। ये क्या है? तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तो आप देखिए अब इसका उत्पाद क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था यदि हम तृतीयक एल्किल हैलाइड लेंगे तो अभिक्रिया प्रतिस्थापन होगी क्या? नहीं होगी। अभिक्रिया कौन सी होगी? विलोपन होगी, क्योंकि ये प्राथमिक एल्कोक्साइड जो है वो प्रबल क्षार की तरह कार्य करेगा और यहाँ से Na इस Cl को ले जाएगा और यहाँ बीटा कार्बन से क्या जाएगा? एक हाइड्रोजन किसको ले जाएगा? इसको ले जाएगा, तो बाहर क्या निकलेगा? NaCl CH3CH2OH, ये CH3CH2OH, और देखो इस कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। उत्पाद क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड CH2CH3 2 मैथिल प्रोपीन, ये उत्पाद बनेगा इससे। तो और अब दूसरा क्वेश्चन इसी संबंधित है कि तृतीयक ब्यूटिल एथिल ईथर बनाने के लिए उपयुक्त तो अभिक्रिया लिखिए। तो पहले तो तृतीयक ब्यूटिल एथिल ईथर की सूत्र संरचना लिख लो। देखो ये रही CH3CH2O CH3, ये आपका क्या नाम है इसका? तृतीयक ब्यूटिल एथिल ईथर। अब इस अभिक्रिया से बनाना है तो आपसे यूं पूछ रहा है कि इसके लिए कौन सी अभिक्रिया उपयुक्त होगी। अब उत्पाद ये बनाना है तो इसके लिए क्रिया कारक क्या लेंगे? तो आपको पता है ना, असममित ईथर यदि बनाना हो तो आप एल्किल हैलाइड प्राथमिक ले लो और एल्कोक्साइड कौन सा ले लो? तृतीयक द्वितीयक ले लो। तो इसको यहां से अगर हम काटेंगे तो एल्किल हैलाइड क्या ले लें बोलो? CH3CH2Cl एथिल क्लोराइड ले लो। देखो आज थोड़ा सा दिमाग वाला सिस्टम था, आपको थोड़ा इसको ध्यान से देखना है। और ये एल्कोक्साइड ले लेंगे भाई, सोडियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड, सेम ऊपर वाली जैसी अभिक्रियाएं अभी जो मैंने पहले लिखाई थी। अगर आपने एल्किल हैलाइड तृतीयक लिया, ध्यान से सुने, तो अभिक्रिया कौन सी होगी? विलोपन होगी। उत्पाद क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। अगर आपने एल्किल हैलाइड कौन सा लिया? प्राथमिक लिया, तो अभिक्रिया कौन सी होगी? प्रतिस्थापन, मतलब यहां पर हैलोजन का प्रतिस्थापन कौन से समूह द्वारा? इस एल्कोक्साइड समूह द्वारा होगा और क्या बनेगा? ईथर बनेगा। तो विलियमसन ईथर संश्लेषण जो अभिक्रिया है उससे आप सभी प्रकार के ईथर बना सकते हैं। पहली बात ध्यान रखनी है क्योंकि यह अभिक्रिया SN2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है, तो इसमें असममित ईथर यदि आपको बनाना हो तो एल्किल हैलाइड आपको प्राथमिक लेना है, बाकी का एल्कोल जो है या एल्कोक्साइड आयन जो है वो द्वितीयक तृतीयक हम ले सकते हैं। यदि आपने एल्किल हैलाइड तृतीयक लिया तो अभिक्रिया प्रतिस्थापन नहीं होगी, विलोपन होगी और उत्पाद एल्कीन बनेगा जैसे ये दिखाया है। अभी इसमें और भी कुछ मुझे बताना है, वो आपको कल करवाएंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है बेटा? लेकिन बहुत जरूरी है दिमाग कंसेप्ट समझना और कंसंट्रेट होके पढ़ना। बहुत शानदार वाला क्वेश्चन यहां से, कंपटीशन में बहुत अच्छे क्वेश्चन उठते हैं यहां से, ध्यान से। बनाने की विधि तो दो ही है ईथर की इसमें आपके, लेकिन इसमें बहुत कुछ समझने के लिए है जो मैं आपको पहुंचाना चाह रहा हूं। थैंक यू।